हेलो फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो गई है, मई का महीना चालू हो गया है और आप सब जानते हैं कि मई में टेम्परेचर पहुंच जाता है 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर। और जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री और 50 डिग्री को क्रॉस करने लगता है तो जो हीट बढ़ने लगती है और जो पसीना टपकने लगता है तो आप समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी अगर आपको है साथ में तो क्या हाल होने वाला है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको 5 हेल्थ टिप देने जा रही हूँ प्रेगनेंसी के समय में इस गर्मी को कैसे फेस कर पाएंगे, कैसे इसको बियर कर पाएंगे और कैसे आप अपना बचाव कर पाएंगे। तो सबसे पहला हेल्थ टिप, स्टे हाइड्रेटेड। स्टे हाइड्रेटेड का मीनिंग है कि आप अपना वाटर लेवल अपने शरीर के अंदर बनाए रखिए, लगातार पानी पीते रहिए, क्योंकि जैसे ही गर्मी में टेम्परेचर बढ़ने लगता है अपने शरीर से पानी का इवेपोरेशन होने लगता है और अपने शरीर में पानी की कमी होने लगती है और उसको मेंटेन रखने के लिए हमें हमारा पानी पीने की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है और कम से कम हर घंटे एक ग्लास पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी के साथ ही आप छाछ है, लस्सी है, दही है, कैरी का पानी है या कैरी की छाछ है, नारियल पानी है और गन्ने का रस, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं जिससे कि आपके शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो। दूसरा हेल्थ टिप, हमेशा कपड़े हल्के पहनिए, लूज़ फिटिंग वाले पहनिए और कॉटन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। वैसे भी हमारे मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि आप खादी का इस्तेमाल करिए, कॉटन का इस्तेमाल करिए और इंडियन क्लोथ्स का इस्तेमाल कीजिए, जिनसे कि आपको आपकी बॉडी के अंदर एरिएशन बराबर बना रहेगा, पसीना कम आएगा, पसीना आएगा तो कपड़ा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके बॉडी का टेम्परेचर को नॉर्मल बनाए रखेगा। फिटिंग वाले क्लोथ प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड करने चाहिए जिससे कि आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकें। तीसरा टिप, आप बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ ना करिए, अंदर रहने की कोशिश करिए, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम आपका पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होगा और घबराहट और चक्कर आ सकते हैं। प्रेगनेंसी में उल्टियाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने की शिकायत हो सकती है तो, और हेडेक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना इंडोर रखिए और हो सके तो एयर कंडीशन एनवायरनमेंट को प्रेफर कीजिए, क्योंकि जैसे ही एयर कंडीशन टेम्परेचर में आप रहेंगी तो आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाएंगी। चौथा टिप, यदि आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं और ये भूल जाती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप अपना केयर करने का टाइम नहीं निकाल पा रही हैं तो आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए कि हर 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको ब्रेक लेना है और आप फ्रीक्वेंट ब्रेक लेते रहिए। हर ब्रेक के अंदर पानी का ग्लास ज़रूर पी लीजिए, पानी के साथ जो भी हमने आपको लिक्विड बताए हैं वो आप साथ अपने साथ अवेलेबल रख सकती हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकती हैं। अपने खाने पीने का बराबर ध्यान रखिए और जब भी आप ब्रेक लेती हैं तो बैठ जाइए या करवट केबल लेट जाइए या फिर अपने पैरों को सामने किसी बेंच के ऊपर रखिए ताकि ब्लड फ्लो बराबर बना रहे। पांचवा टिप, यदि आपको आपके डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई है तो या तो एक्सरसाइज बहुत अर्ली मॉर्निंग आप कर लीजिए जब मौसम ठंडा रहता है या आप शाम के समय करिए, या फिर आप इंडोर एक्सरसाइजेस चूज़ कीजिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम प्लान करिए, यानी कि अगर आप वॉक पर जाती हैं या आप जॉगिंग पे जाती हैं तो डेफ़िनेटली आपको जब धूप निकल आती है उसके बाद नहीं जाना होता, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट, टेम्परेचर, हवा, ये सब आपको नुकसान दे सकती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के कारण वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, बच्चे में पानी की कमी होगी, बच्चे की मूवमेंट कम होगी और फाइनली बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है और बच्चे का नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सारी स्थितियों को अवॉइड करने के लिए हमें इंडोर एक्टिविटीज़ को चूज़ करना चाहिए या अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए ताकि टेम्परेचर नॉर्मल रहे। गर्मियाँ अभी 2 महीने रहने वाली हैं और टेम्परेचर इसी तरीके से राजस्थान में बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें हमारा टेम्परेचर कूल रखना है, अपने आप को ठंडा रखना है और अपने बच्चे का और अपना खुद का ध्यान रखना है। तो आप 5 टिप का अगर ध्यान रखेंगी तो डेफ़िनेटली आप खुशी खुशी आप इन समर्स को एंजॉय कर पाएंगी और आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख पाएंगी। इन सारे हेल्थ टिप्स का ध्यान रखने के बाद भी यदि आपको घबराहट, चक्कर, नौजिया, वॉमिटिंग या और किसी प्रकार का मेडिकल प्रॉब्लम लगता है तो डेफ़िनेटली आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए और गायनेकोलॉजिस्ट को जाकर आप अपनी सारी बात बताइए ताकि वो आपके कंसर्न को सुन सकें और उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें। हमारे वीडियो को सुनने के बाद भी यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क अस, प्लीज़ पुट योर ऑल द कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, वी विल मोर देन हैप्पी टू आंसर यू।
आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।